हेलो फ्रेंड्स, मेरे नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछले ब्लॉग में हमने आपसे प्रॉमिस किया था, बाजरे की कटाई का वीडियो दिखाएंगे आपको। तो आज लेकर आ चुके हैं हम बाजरे की कटाई का वीडियो। तो आप खेत देख सकते हैं बाजरे के, ये बाजरे के खेत हैं जिनका आधा खेत कट चुका है, क्योंकि सुबह से ही वर्कर लगे हुए हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आधा हिस्सा कट चुका है और जो कटे हुए हिस्से हैं वो हमने खड़े कर दिए हैं बाजरा अलग करके, क्योंकि काटने के बाद बाजरा अलग काटना पड़ता है, डबल प्रोसेस हो जाती है। तो ये कटे हुए पेड़ आप देख सकते हैं नीचे लेटे हुए हैं खेत के अंदर, इनको थोड़ी देर में हम आपको जूम करके दिखाएंगे। अभी आप वो पोर्शन देख लें जो पूरी तरीके से काट के, जिसका बाजरा भी काट दिया है और पेड़ भी काट दिए हैं और उनको इकट्ठा कर दिया है। आप ये देख सकते हैं गट्ठर लगे हुए हैं, इकट्ठा हो चुके हैं, ये पूरा खेत खाली हो चुका है, इनको समेट भी दिया गया है, ये समेटे हुए हैं। इनसे कुट्टी बनेगी जो भैंस गाय और इनके खाने के काम आएगी, जो सर्दियों में काम आती है और जिसको तूड़ा बोलते हैं वो गर्मियों में खाने के काम आता है। तो ये देखिए कटे हुए पेड़ झूम करके दिखा देते हैं। ये देखिए ये बाजरा, ये अलग से कटेगा, पहले एक बार में पेड़ कटता है नीचे से जड़ में से। तो ये देखिए ये पूरा पेड़ काट दिया है और आप देख सकते हैं हमने कितने आदमी लगा रखे हैं। ये तकरीबन अगर आप गिन पा रहे होंगे तो तकरीबन ये 20 से 25 लोग हैं और इतने आदमियों में ही काम होता है। अगर दो तीन आदमी हमने लगाए तो काफ़ी दिन लग जाते हैं, दो तीन दिन में कटता है। अगर एक साथ आपने 20-25 आदमी लगा दिए तो खेत फटाफट कट जाता है। तो ये देखिए आपको और पास से दिखाते हैं, खेत में और भी पेड़ हैं, तिल के पेड़, जिसका वीडियो हम आपको बता देंगे आगे। ये देखिए वर्कर लगे हुए हैं और ये देखिए नीचे से काट रहे हैं बिल्कुल, और अगर आप नीचे से काटने के बाद उनको उठा के और एक जगह पटक देते हैं, ये देखिए जैसे ये पटक दिया। और अगर आप और पास से दिखाएं तो ये देखिए जो दराती होती है, हसिया बोलते हैं जिसको, उसको नीचे जड़ में मारते हैं। ये देखिए यहाँ से हम पास में इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये काम कर रहे हैं। तो ये था कटाई का ब्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो शेयर करें। थैंक यू।